हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति जो मामला इन दिनों सुर्खियों में था, दैया खाप की कमेटी ने इस मामले को फिलहाल सुलझा दिया है। इस कमेटी में दैया खाप के प्रधान जयपाल दैया, पूर्व दैया खाप प्रधान ACP महावीर दैया, हिंद केसरी पहलवान संजय दैया, संदीपा सहित कई पदाधिकारी थे। लगातार 2 दिन इस मामले में मीटिंग हुई। पहले दिन सहमति नहीं बन पाई, जबकि दूसरे दिन इस मामले में सहमति बनी। सहमति के मुताबिक तय किया गया कि आगामी 6 महीने में सामान्य नियमों के आधार पर कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहमति से वेद प्रकाश दैया इस्तीफा देंगे व नई बनी वोटों के आधार पर फिर से चुनाव होंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने से खरखोदा कन्या महाविद्यालय में वोट न बनाए जाने व चुनाव में शामिल न करने का मामला निरंतर तूल पकड़ रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मामला सोनीपत जिला फर्म व समिति रजिस्ट्रार के कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद वहां से एक कमेटी गठित करके जाँच की जा रही है। दूसरी तरफ इस मामले में सब्जी मंडी में 2 पंचायतें हो चुकी हैं, जबकि 18 सितंबर को दैया खाप के चबूतरे पर पंचायत रखी थी। इसी बीच दैया खाप के प्रयास से दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। याचिकाकर्ता कुलदीप दैया का कहना है कि मैं दैया खाप के फैसले से सहमत हूँ, मैं जल्द ही अपना केस वापस ले लूंगा। हमें जो आपत्ति थी वह दूर की गई है। फैसले में तय किया गया है कि उनकी जल्द वोट बनेगी, साथ ही अन्य लोगों की भी वोट बनाई जाएगी, बाद में चुनाव होगा। वेद प्रकाश दैया कन्या महाविद्यालय समिति प्रधान का कहना है कि शिकायतकर्ता केस वापस ले या ना ले, इससे कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने जमीन दी हुई है या खरखोदा के मौजूद व्यक्तियों व अन्य समिति सदस्यों से विचार विमर्श व उनकी सहमति से कॉलेज हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि आने वाले 6 महीने में फिर से सदस्य बनाए जाएंगे व लोगों की सहमति से ही दोबारा से चुनाव करा दिया जाएगा। लोगों की सहमति से ही इस्तीफा भी दे देंगे। अब याचिकाकर्ता के केस वापस लेने के बाद भी जारी रहेगी जांच। यादव सोनीपत GM DIC IAS यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता कुलदीप व अन्य केस वापस ले या ना ले, अब मामला प्रशासन के संज्ञान में आ गया है, इंक्वायरी पूरी होगी। अब अगर खामियां मिली तो जरूरी हुआ तो मौजूदा चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक मिला तो नई कार्यकारिणी को अनुमति प्रदान कर देंगे। आर्ची खेल में हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के गौरव का स्टेट के लिए चयन। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक ब्राइट स्कॉलर स्कूल सोनीपत में आर्ची गेम के स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में हेरिटेज स्कूल के गौरव ने अंडर 14 आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्टेट में अपनी जगह बनाई है। गौरव का स्कूल में पहुंचने पर चेयरमैन अनीश कुमार, प्रिंसिपल सुमित राणा और DP अमित आर्य ने स्वागत किया। आगे स्टेट टूर्नामेंट में स्कूल और जिले का नाम रोशन करने के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन अनीश दैया ने कहा कि उनके स्कूल का मुख्य फोकस क्वालिटी एजुकेशन देने पर है, ताकि छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा देकर समाज का अभिन्न अंग बनाया जा सके व बच्चे अपना सपना पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय में एजुकेशन दी जा रही है ताकि इस आधुनिकता के दौर में हेरिटेज स्कूल के छात्र लगातार आगे रहें। शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाता है। कन्या महाविद्यालय बृहस्पतिवार को प्राचार्य डॉ. योगिता मलिक की अध्यक्षता में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वंदन किया गया। इसके बाद प्राचार्य डॉ. योगिता मलिक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधियां छात्राओं के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं, इसलिए सभी छात्राओं को इस प्रकार की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुमिता के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर डॉ. सुमिता ने प्रतिभा खोज कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी के अंदर कोई न कोई छिपी प्रतिभा होती है, बशर्ते उसे बाहर निकालने का समुचित अवसर मिले। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही छात्राओं की प्रतिभा को पहचान कर भविष्य में उसे और निखरने का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर हिंदी विभाग से डॉक्टर प्रोमिला द्वारा मंच का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्यिक, सांस्कृत और ललित कलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में लगभग 40 छात्राओं ने भाग लिया। साहित्यिक गतिविधियों में डॉक्टर सीमांत व डॉक्टर नमिता व मीनाक्षी, सांस्कृतिक गतिविधियों में डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर शालिनी व डॉक्टर पूनम और ललित कलाओं में डॉक्टर प्रमिला व डॉक्टर शालिनी निर्णायक की भूमिका में उपस्थित रहे। कवाली गाँव की छात्रा मानसी का MBBS के लिए चयन हुआ, जो 1 से 12 तक प्रताप स्कूल में पढ़ती थी। मानसी ने बताया कि NET की परीक्षा में 720 में से 638 अंक प्राप्त किए। मानसी ने इनका श्रेय अपनी कठोर मेहनत,
विद्यालय स्टाफ प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य व अपने माता पिता को दिया। मानसी ने बताया कि उसने प्रताप स्कूल खरखोदा में नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया। प्रति वर्ष अपनी कक्षा में सदैव पहले 3 स्थान प्राप्त किए। 12वीं कक्षा 94.8 अंकों से पास की। मानसी ने कहा कि हमें लक्ष्य निर्धारित करके उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर अधिक मेहनत करनी चाहिए। परीक्षा में अगर कम अंक भी आ जाएं तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु और अधिक मेहनत करके सफल होने का प्रयास करना चाहिए। मानसी ने अन्य विद्यार्थियों को अच्छी मेहनत कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। मानसी ने कहा कि हमें शिक्षक वृंद व पूर्ण विश्वास कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। NCERT की बुक्स को अधिक से अधिक फॉलो करना चाहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मानसी की माताजी साधारण गृहिणी हैं व पिताजी दिल्ली DTC में चालक हैं। इस अवसर पर मानसी के माता पिता ने बताया कि मानसी की इस सफलता के पूरे परिवार व गांव कवाली में खुशी का माहौल है। मानसी ने कक्षा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक प्रताप स्कूल खरखोदा में पढ़ाई की है। मानसी एक सफल डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगी। मानसी की सफलता में प्राचार्य धर्म प्रकाश प्रताप विद्यालय स्टाफ सदस्यों को बहुत योगदान है। इसके लिए मैं और मेरा परिवार इन सबके बहुत आभारी हैं। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बताया कि मानसी अल्पायु से ही मेघावी अनुशासित संस्कारवान छात्रा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने विद्यालय माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। हम परमात्मा से कामना करते हैं कि वीडियो के समर्पित डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें। I am Mansi and I have completed my task scoring from the Sir Pratap School only, and as of now I cleared the NEET exam with quite a good score, and I am really grateful for the blessing of our principal sir, faculty and especially my parents, and I wish that all my fellow students and juniors would pursue their dream careers with determination. So for the preparation I would suggest do your best, as we have entered the academic sector, so we had to do work hard and even sometimes harder. So first thing for the NEET preparation, do follow your NCERT, especially for biology and for chemistry too. And for your like assurance like you are on the right path, do practice mock tests as much as you can, and that is all. There are not footprints for us to work on, but there are destination marks which are assure us to be on right path, and this assurance can be through our guide or teacher. So for the teacher, you must have the full faith on them, like what they are teaching you, what they are taught you in the class, you must have the confidence like they have taught you the right, and have to face and have to be satisfied with that, like they will lead you to a great path. So this is what I can say for the teacher faculty of our school. One thing I would like to add is that consistency is the key to success. So you must be consistent with your preparation no matter what you are facing. Like there are some days when you feel down, like my marks is not getting this one, I'm not getting this topic, but you have to be continuous with your preparation. Thank you. She है कि NEET की जो परीक्षा मानसी ने पास की है जिसमें से 638 अंक आउट ऑफ 720 से इन्होंने प्राप्त किया है। मानसी ने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है कि मानसी बहुत ही अच्छी छात्रा रही है। मानसी ने नर्सरी क्लास से और प्लस टू क्लास तक हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। मानसी के पिताजी और माताजी और इनके परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि माता निर्माता भवती, पिता हमेशा एक अच्छे पालन पोषण की तरह कार्य करता है। साथ साथ में मानसी ने जैसा बताया कि यहाँ का जो स्टाफ है उसने मानसी को बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई है, और ये सभी मानसी की कठोर मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, जो कि समर्पित कर्मठ शिक्षक वृंद की मेहनत का परिणाम है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए 16 पदक जीते हैं। बृहस्पतिवार को स्कूल पहुंचे पदक विजेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए स्कूल चेयरमैन कुलदीप दहिया ने बताया कि खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 6 रजत व 5 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी एकता, अक्षय, योगेश, सुजल, चिंकी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपना चयन पक्का किया है, जबकि प्रतीक, आर्यन, वंश, दीपक, देव, अंशुल, दीपेंद्र, सैम, प्रिंस, आर्यन, दक्ष ने रजत व कांस्य पदक जीते हैं। सभी खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी गई और भविष्य में और मेहनत करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कोच विकास, कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया, निर्देशक प्रवीण डागर व प्राचार्य दिनेश शर्मा मौजूद रहे। उनके 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया स्टेट चैंपियनशिप में, उसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 6 बच्चे अभी स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ।
और ये भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे जो बच्चे स्टेट में गए ये भी वहाँ से बड़ा मेडल लेकर लेकर जाएंगे। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला के प्राचार्य रामवीर सिंह को शेख कृति के लिए किया सम्मानित। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी भवन पंचकुला के सभागार में वर्ष 2017 से 2021 तक के शेष कृति पुरस्कार विजेता साहित्यकारों के सम्मान में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ब्रह्म शक्ति स्कूल थाना कला के प्राचार्य रामवीर सिंह का नाम भी शामिल रहा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे, हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशिखा, वरिष्ठ साहित्यकार लालचंद गुप्त मंगल ने प्राचार्य रामवीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक लोक कला सिरमौर निहाल चंद शिवचरण को 2020 की शेष कृति पुरस्कार विजेता के परिणाम स्वरूप प्राचार्य जी को 31,000 नकद, एक शॉल व एक प्रशस्त पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा प्राचार्य जी को हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बसों में हरियाणा व हरियाणा से बाहर आजीवन निःशुल्क भ्रमण का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्राचार्य रामवीर सिंह के सम्मान लेकर लौटने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन ओपी राम समेत सभी स्टाफ सदस्यों व छात्राओं ने प्राचार्य रामवीर सिंह जी को बधाई दी। प्राचार्य रामवीर जी को प्राप्त इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल बना हुआ है। शहर के उपमंडल स्तरीय स्वाने हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को SMO डॉक्टर सत्यपाल ने पोलियो अभियान का सफल बनाने के लिए चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पोलियो को काबू करने में स्वास्थ्य विभाग कामयाब रहा है, लेकिन अभी लापरवाही नहीं बरतनी। सभी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फील्ड में उतरे और इस अभियान को सफल बनाए। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टों व स्लम एरिया में अभियान को चलाने के साथ ही बूथ स्तर पर पोलियो अभियान को संचालित किया जाएगा, जिसके बाद इसे डोर टू डोर चलाते हुए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में सभी मिलकर अभियान को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमायल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका, कंसल्ट डॉक्टर रजत गुप्ता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट 7056511111। मेरे इस कार्यकाल में 5 साल के में मेरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बेहद उनका मेरे ऊपर शान है। जैसे 36 ब्रदर जी ने मेरा सहयोग कराया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।